बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद नादरा में आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। ये रेसिपी आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रेडी कर सकते हैं और ये ऑफिस वर्कर्स के लिए भी बहुत इजीली रेडी करने वाली आसान सी रेसिपी है। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन स्टफ पराठा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन पराठा की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन बोनलेस लिया है मैंने 3 पाव, बॉयल करके उसको मैंने श्रेड कर लिया है। थोड़ा सा नमक और 2-3 मैंने लहसुन के जवे इसमें डाल दिए थे साथ बॉयल करके, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कैबेज लिए मैंने, आप टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा, थोड़ी सी मैंने कैबेज लिए। चॉप्ड अनियन 2 चॉप्ड अनियन लिए मैंने। हरी मिर्चें लिए 5 से 6 अदद बारीक स्लाइस कर लिया है। कैप्सिकम लिया है मैंने, शिमला मिर्च लिए 1 दरमियाने साइज़ की, इसको फाइन चॉप कर लिया है। हरा धनिया मैंने 1 गठी लिया है, फाइन चॉप कर लिया है। ग्रीन अनियन है मैंने फाइन चॉप कर लिए, 5 से 6 ग्रीन अनियन थी उसका मैंने ग्रीन पार्ट ले लिया। तो चलिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैं 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, बस तकरीबन 3 खाने के चम्मच ऑयल है ये। 2 खाने के चम्मच मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से भून लेते हैं। 1 खाने का चम्मच जीरा, 1 अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मुझे डार्क नहीं करना है। इसमें मैं चिकन बोनलेस ऐड कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पराठे के लिए हम कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर रहे हैं, बच्चों बड़ों सबकी बहुत पसंदीदा रेसिपी है ये। अब इसमें मैं 2 खाने के चम्मच सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, 1 खाने का चम्मच सिरका, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच ऐड कर दीजिए। कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। हल्दी 1/2 खाने का चम्मच। नमक 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं। इसको मिक्स कर लीजिए। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होने वाली है, इमली और पुदीने की चटनी के साथ। बहुत अच्छा सा ये चिकन स्टफ्ड पराठा तैयार होगा। गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। आमचूर पाउडर 1 खाने का चम्मच। कुटा हुआ धनिया, बहुत मज़े की खुशबू लाता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस करता है। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने कुटा धनिया ऐड किया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होगी। चिकन पाउडर है ये मेरे पास, 1 खाने का चम्मच मैंने ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में मैं ये 1 से 1.5 खाने का चम्मच मिल्क ऐड कर रही हूँ, जो इसको थोड़ा सा मॉइस्चर देगा।
आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत सी इसकी शक्ल है, कितना खूबसूरत सा ही लग रहा है। और जब इसमें रंगारंग हरी भरी सब्जियां ऐड होंगी तो और मज़ेदार से ये स्टफिंग तैयार होगी चिकन पराठा की। अब मैं इसमें सब्जियां ऐड करती जाती हूँ। फ्लेम मेरी बिल्कुल लो है, इसको मुझे ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस कैबेज मैंने डाल दी है, ग्रीन अनियन ले लेते हैं, कैप्सिकम और ये हमारी प्याज जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी और ये साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो देखें कितनी मज़ेदार सी चिकन पराठा की स्टफिंग तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। चिकन पराठा की स्टफिंग को मैंने बाउल में निकाल लिया और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम पराठा की तैयारी कर लेते हैं। मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया था और 1.5 कप मैंने मैदा ऐड करके इसको सिंपली गूंद लिया है नीम गर्म पानी से, थोड़ा सा नमक ऐड करके। इसमें मज़ीद मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है। तो अब हम पेड़े बना लेते हैं। मीडियम साइज़ का आप एक पेड़ा ले लीजिए, इस तरीके से हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाइए। बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा भी आप नहीं लेंगे, जो सिंपली रोटी हम पकाते हैं उससे बड़ा पेड़ा होगा ये हमारा। तकरीबन 100 ग्राम का ये एक पेड़ा है, इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए। थोड़ा सा आटा, खुश्क आटा आप लगा के इस तरीके से आप इसको चंगीर बनाएंगे। मैं 2 तरीक़ों से आपको बताऊंगी, डबल लेयर वाला भी और जो भर के हम पेड़े में बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको प्रेस कर लीजिए। ये देखिए इतना बस प्रेस करके इसमें मैं हाथ में, आप इस तरीके से हाथ में पेड़ा रख के आप इसमें स्टफिंग आप ऐड कर लीजिए जितनी आपको पसंद हो। ये देखिए इस तरीके से आप इसको भर लेंगे और इसी तरीके से इसको प्रेस करते जाएंगे। इस तरीके से आप इसको प्रेस कर लीजिए अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप इसका मुंह बंद कर देंगे, इसको कवर कर दीजिए। हाथ की मदद से आप इसको प्रेस कर लीजिए ताकि जितना अगर इसमें एयर है तो वो रिलीज़ हो जाए। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं, इस पर खुश्की लगा लेंगे। अब मैं इसको स्लोली, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है आपको, बिल्कुल स्लो आपको जो है ये इसको बेलना है। थोड़ा सा खुश्की लगा लेंगे। बिल्कुल स्लो स्लो हर तरफ से आप अच्छे से इसको बेल लीजिए। ये देखिए आप अपने हिसाब से साइज़ रखिएगा, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। बस इस तरीके से आप इसको बेल लेंगे। मैंने पैन पहले से गरम कर लिया, हल्की सी मैंने फ्लेम पे तवे को गरम कर लिया था। अब मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको लो फ्लेम पे हम अच्छे से सेक लेंगे। साइड चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट
चिकन पराठा तैयार हो रहा है। ये चिकन पराठा मैंने अपनी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर की फरमाइश पर तैयार किया है। उम्मीद है ये पराठा उन्हें बहुत पसंद आएगा। अब मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जिन लोगों को ऑयल पसंद नहीं है, जो लोग ऑयल फ्री खाते हैं, आप इसको सेक के डायरेक्टली तवे पे सेक के बग़ैर ऑयल के भी रोटी की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हैं कितनी गुड लुकिंग है इसकी, ये खाने में भी बेहतरीन और देखने में भी ज़बरदस्त। ये देखें बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ और कुछ और पराठे तैयार करती हूँ। अब मैं आपको डबल परत वाला पराठा बना के दिखा देती हूँ। ये मैंने दो इक्वल साइज़ के पेड़े लिए हैं, थोड़े छोटे पेड़े हैं ये। पहले हम इसकी सादी रोटी बेल लेंगे अच्छे से। एक और रोटी बेल लेते हैं। ये हमने एक जैसी दो रोटियां बेल ली हैं सादी। अब हम इस पे चिकन बिछा देंगे। इसको अच्छे से पूरे में फैला दीजिए। ध्यान रखिएगा ज़्यादा किनारों पे ना लगना चाहिए। दूसरी रोटी को उठाएंगे, इसको इस पे बिछा देंगे, अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर देंगे। जिन लोगों को ये डर हो कि हमारा पराठा खुल ना जाए, वो इसको फॉर्क की मदद से प्रेस कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी आप इस तरीके से आप इसको प्रेस कीजिए ताकि जो एयर बबल्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाए। इस तरीके से फॉक की मदद से आप इसको पैक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए इसको तवे पे बिछाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे क्योंकि ये डबल पेड़ा है। हमें इसको स्लोली अच्छे से पकाना है। लो फ्लेम पे ये कुक होगा। ये देखें बेहतरीन सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। तो लीजिए गर्मा गर्म चिकन स्टफ्ड पराठा तैयार है। बहुत शानदार, जायकेदार, खुशनुमा। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक है। जायके में भी लाजवाब है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी के तमाम स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करके। आप भी शानदार सा चिकन पराठा बनाइएगा। सो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को टिफ़िन में रख के दीजिए पराठा और ख़ुद भी खाइए, सबको खिलाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो मज़ीद किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।